आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। आगे बढ़ते हुए आज हम बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। अध्यापिका कक्षा में ये सवाल पूछती हैं। एक टाइल कुछ इस प्रकार दिखती है, क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? दिखाई हुई आकृति एक सप्तभुज है, क्योंकि आकृति में 7 भुजाएं हैं। आइए सबसे पहले शीर्षों को ए बी सी डी ई एफ और जी से नामांकित करें। कक्षा के एक छात्र सोनू ने इस प्रश्न को कुछ इस प्रकार हल किया। उसने शीर्ष ए से एक सप्तभुज के विकर्ण बनाए और ऐसा करने पर उसे 5 त्रिभुज मिले। वो ये सोचता है कि क्यों न इन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योगफल ले लें, जो कि सप्तभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। मान लेते हैं कि इन त्रिभुज के माप कुछ इस प्रकार हैं, जिसके अनुसार कुछ इस तरह गणना कर वो सप्तभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता है, जो कि 30.5 वर्ग सेंटीमीटर है। कक्षा की एक और छात्रा सीमा इस प्रश्न को कुछ इस प्रकार हल करती है। सीमा सोचती है कि शीर्ष जी को शीर्ष डी और सी से जोड़ें, तो हमें एक त्रिभुज और 2 समलंब मिलते हैं। माना कि इनके माप कुछ इस प्रकार हैं, जिनके क्षेत्रफलों के योगफल की मदद से हमें सप्तभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार मिल जाता है, जो कि 30.5 वर्ग सेंटीमीटर है। आप यहां देख सकते हैं कि दोनों स्थितियों में सप्तभुज का क्षेत्रफल समान है। अतः इस प्रकार बहुभुज को उसके अवयव भागों में बांटकर जिनके क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात हो, पूरे बहुभुज का क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं। यहां हमने 2 स्थितियों पर चर्चा की और बहुभुज का क्षेत्रफल दोनों स्थितियों में बराबर होगा। इसी प्रकार क्या आप किसी पंचभुज या षटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, पंचभुज को इस प्रकार त्रिभुजों अथवा एक त्रिभुज व एक चतुर्भुज में विभक्त कर इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है, और षटभुज को इस तरह 4 त्रिभुजों अथवा 2 त्रिभुजों व एक चतुर्भुज में विभक्त कर उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आप स्वयं भी षटभुज को किसी अन्य स्थिति में विभक्त कर उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हमने बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित उदाहरण देखेंगे।